अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हनुमाना क्षेत्र से, जहां उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत हनुमाना के श्री रामानुज आयुर्वेदिक औषधालय विगत 60 दशक से भी अधिक समय से कई प्रांतों में आने वाले मरीजों को मुफ्त वितरित की जाने वाली श्वास दमा, अस्थमा, स्नोफीलिया, पुरानी खांसी जैसी भयंकर बीमारी की शरद पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में मुफ्त वितरित की जाने वाली चमत्कारी दवा वितरण समारोह को ऐतिहासिक बनाने आयोजक गण रात दिन एक कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये चमत्कारी दवा नाड़ी ज्ञान की साक्षात मूर्ति माने जाने वाले विंध्य में जनसंघ के संस्थापक तथा लोकतंत्र सेनानी वरिष्ठ भाजपा नेता सरयू प्रसाद वैद्य को उनके पूज्य सद गुरुदेव बैकुंठ वासी परम तपस्वी पूज्यपाद स्वामी माधवाचार्य जी महाराज के चरण कमलों की कृपा से प्रसाद स्वरूप प्राप्त है, जिसे वे प्रतिवर्ष निशुल्क वितरित करते चले आ रहे हैं। आज देश की अनेक जानी मानी संस्थाओं तथा हस्तियों द्वारा नाड़ी विशेषज्ञ वैद्य जी के समय समय पर जहां अभिनंदन व सम्मान के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ताम्र पत्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। 90 वर्ष की अवस्था में आज भी पूर्ण स्वस्थ नाड़ी विशेषज्ञ वैद्य जनता जनार्दन की पूरे वर्ष भर चिकित्सा के माध्यम से जाना सेवा करते हैं। वहीं इस चमत्कारी दवा से प्रतिवर्ष हजारों रोगी निशुल्क चमत्कारी दवा से श्वास दमा, अस्थमा, स्नोफीलिया, पुरानी खांसी जैसी भयंकर बीमारी से रोग मुक्त हो स्वस्थ जीवन जीते हैं। किशन गुप्ता है, वार्ड नंबर 11 में मैं रहता हूँ। ये श्री सरजू प्रसाद वैद्य जी, ये हमारे फैमिली वैद्य जी थे। इनको नाड़ी का बहुत बड़ा ज्ञान है। हमारी छोटी दादी जो है को कैंसर था, तो वो नाड़ी देख के बता दिए। इलाहाबाद में देखा है, नहीं पता चला, फिर पटना में मालूम हुआ। चाची हमारी जो थी, तो वो उनको ब्लीडिंग हो रही थी, उनकी बहुत सीरियस थी। इलाहाबाद से लौटा के ले आए फिर यहाँ। रात भर में दवा, रात में भर मतलब दवा चली है, वैद्य सरजू प्रसाद वैद्य जी दवा किए, तो उनको आराम हो गया फिर। और मैं चाहता हूँ कि इनको पद्म विभूषण से जो है अलंकृत किया जाए। नाम प्रभावती है, मैं वार्ड क्रमांक 11 में रहती हूँ। मेरा हालत इतनी समय, मेरा 65-68 साल की उम्र है। 15 साल के उम्र में मेरी शादी हुई थी। शादी होने के बाद 2-3 महीने बाद मेरा हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया। मैं मृतक डॉक्टर लोग घोषित कर दिए कि मर गई। तो मेरे हस्बैंड ने सरजू वैद्य को बुलवाया, सब जवाब दे दिए। सरजू वैद्य जी को बुलवाया तो उन्होंने देखा, देख के सूजी लगाए, दवा पिलाए, पता नहीं कहाँ से कैसे प्राण आ गया कि मैं जीवित आज 65-68 साल की हो गई हूँ, जीवित हूँ।